साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाल में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की हार के बाद एक बार फिर केएल राहुल के बतौर कप्तान भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। वनडे सीरीज से पहले जोहान्सबर्ग टेस्ट में केएल राहुल को विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टेस्ट टीम की कप्तानी का भी मौका मिला था, लेकिन वहां भी राहुल की गलतियां टीम इंडिया पर भारी पड़ी थी। इस बार वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में सेलेक्टर्स ने राहुल को टीम इंडिया की वनडे टीम की कमान सौंपी थी, लेकिन बदकिस्मती से राहुल उम्मीदों के दबाव में फिर नाकाम हो गए। तीन मैच की छोटी सी वनडे सीरीज में राहुल के सामने अब सीरीज में वापसी की मुश्किल चुनौती है, क्योंकि अब एक और हार साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम के खाते में टेस्ट के बाद वनडे सीरीज में भी हार का रिकॉर्ड दर्ज कर देगी। पहले वनडे में टीम सिलेक्शन से लेकर खिलाड़ियों को रोल देने और फील्ड प्लेसमेंट जैसे कई ऐसे फैसले रहे जिन्होंने राहुल की कप्तानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन मैच में राहुल ने अपने प्लेइंग 11 में बतौर ऑलराउंडर दो दो खिलाड़ियों वेंकटेश अय्यर और शार्दुल ठाकुर को शामिल किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की पारी के दौरान राहुल ने वेंकटेश अय्यर से एक भी ओवर गेंद नहीं डलवाई, जबकि बतौर पांचवें गेंदबाज शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन भी निराश करने वाला ही रहा। अपने 10 ओवरों में शार्दुल ठाकुर 72 रन खर्च कर बिना विकेट लिए टीम इंडिया के सबसे महंगे गेंदबाज रहे। यही नहीं, स्पिनर्स की मददगार विकेट पर टीम में दो दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स आर अश्विन और यजवेंद्र चहल को रखने के बावजूद राहुल ने जिस ढंग से उनसे गेंदबाजी कराई, ऐसा कभी नहीं लगा कि साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ दबाव में आए हों। शिखर धवन के रूप में टीम का दूसरा विकेट गिरने पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए राहुल ने श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। ये फैसला भी टीम के खिलाफ गया। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नई नई मिली कप्तानी के अनुभव में राहुल के पास अभी सीखने के लिए काफी वक्त और मौका है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बतौर कप्तान राहुल इससे पहले भी कई मोर्चों पर नाकाम हो चुके हैं। आईपीएल के मंच पर केएल राहुल ने लगातार 2 साल पंजाब किंग्स टीम की कमान संभाली है, लेकिन जहां निजी तौर पर वो बल्लेबाजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे, वहीं उनकी टीम एक बार भी प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। साल 2020 में खेले गए आईपीएल सीजन 13 में राहुल ने बतौर खिलाड़ी ऑरेंज कैप जीती, लेकिन टीम अपने खेले 14 मैचों में से सिर्फ 6 मैच जीत पाई और 8 में उसे हार का सामना करना पड़ा।